नमस्कार, सुबह का सूरज आपको ऊर्जा से भर दे। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। वर्ल्ड कवरेज में नंबर वन बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। हम आपको श्रीलंका में जारी संकट काल की हर तस्वीर दिखाएंगे। इसके साथ इजराइल दौरे पर पहुंचे बाइडेन की ईरान को दी गई नई धमकी के बारे में भी बताएंगे। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। तो रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है। इसके साथ ही देश विदेश में जारी बाढ़ बारिश का किस तरह का प्रकोप है, कैसी तस्वीरें आई हैं, आपको आज से शुरू हुए सावन के पवित्र महीने के महत्व की जानकारी भी देंगे। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर है श्रीलंका को लेकर, जहां बिगड़ते हालात के बीच इमरजेंसी लगा दी गई है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के श्रीलंका से भागने के बाद लोग उग्र होते गए। प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस और नेशनल टीवी के स्टूडियो तक पर कब्जा कर लिया। हिंसक प्रदर्शन में एक की मौत हुई है और 30 से ज्यादा घायल हुए। रानिल विक्रम सिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया और उस फैसले के बाद लोग और ज्यादा उग्र होते चले गए और बड़ी तादाद में पीएम हाउस के बाहर इकट्ठा हो गए। श्रीलंका में बिगड़ते हालात को देखते हुए इमरजेंसी लगा दी गई है। कल राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की श्रीलंका से भागने की खबर आने के बाद वहां के गुस्साए लोग उग्र हो गए और पीएम हाउस में घुस गए। गुस्साई भीड़ ने पीएम हाउस और नेशनल टीवी रूप वाहिनी के भी स्टूडियो पर कब्जा कर लिया। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प हुई। श्रीलंका सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए। आखिरकार हालात को काबू में करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना और पुलिस वालों को कानून व्यवस्था कायम करने के लिए काम करने की पूरी छूट दे दी गई है। इस बीच वहां के पीएम रनिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की ओर से जारी गजट में 13 जुलाई 2022 से रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। हालांकि सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया।